पर आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आप थंबनेल्स देख रहे हैं और इसमें मैंने लिखा है 10 दिन में पैसा डबल। तो आखिर ऐसा है क्या, क्यों मैंने ऐसा लिखा है? चलो हम आज समझने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा फंडामेंटल की बात भी करेंगे और साथ में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे, जिसके ब्याह पे हम इस शेयर्स में अपने पैसे को डबल करने की कोशिश करेंगे। क्या ये हो पाता है? चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा सा जाएं जो स्क्रीनर के थ्रू, तो ये हमारा कंप्लीट रतन इंडिया का पावर लिमिटेड का कंप्लीट ये फंडामेंटल्स हैं, और जिसमें मैं देख रहा हूँ इसका करेंट प्राइस 9.95 है और इसका ROCE 8.62% ये ग्रोथ कर रहा है, जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें वो 10 रुपीज़ है, 10 का है, और इसमें DIS का होल्डिंग 7.14% है, FIS का होल्डिंग 0.48% है, जो बहुत कम है, प्रमोटर होल्डिंग 44.1% है। अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें वो 48.3% है, और पेट्रोस के हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। बट क्या हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, मैं देख सकता हूँ, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म्स के लिए मेरा इसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर आप इसका कॉन्स प्रॉस के इसमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है लिखा हुआ, अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसमें कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में है, प्रमोटर्स हैव प्लेस 88.6% ऑफ देयर होल्डिंग, और अर्निंग इंक्लूड इसका अदर्स, अगर इनकम देखें तो वो 347 करोड़ का है जो अदर सोर्सेज हैं, कंपनी हैज़ हाई डेट 282 डेज का है, और कंपनी कॉस्ट बोरोइंग सिम्स हाई है। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट तो वो दिख रहा है, इसने कंपनी ने प्लेज करके रखा है वो 88.6%, जो कुछ ठीक नहीं है। फिर भी हमें बस 10 डेज के लिए हम बात करने के लिए आए, इससे ज़्यादा हम इसमें होल्डिंग नहीं रख सकते। तो चलो अब इसका हमारा जो टारगेट है, इसमें जो मैं अभी टारगेट दे रहा हूँ वो 12.50 रुपीज़ का ही है। अगर इसका मैं होल्डिंग पीरियड बोलूँ तो बस 10 डेज के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर मैं इसका आपको 12 रुपये से 12.50 के बीच में बुक प्रॉफिट करके आपको बाहर निकल जाना है। ये रहा हमारा आपका फंडामेंटल्स के बारे में। चलो अब हम टेक्निकल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारा टेक्निकल्स है इसका रतन इंडिया का, जैसा कि आप देख रहे हो, और ये रतन इंडिया हमने वन डे का ऊपर लेके रखा है। अगर इसमें ये दो मूविंग एवरेज की बात करूँ तो मैंने दो मूविंग एवरेज रखा है, एक तो 45 मूविंग एवरेज है और दूसरा है 21 मूविंग एवरेज, दोनों EMA के हैं और एक हाई एक लो मैंने बना के रखा है। चलो अब मैं ज़रा सा उस बात करूँ कि इसका थोड़ा सा 6 मंथ बिफोर जाऊँ तो इस कंपनी ने अभी तक क्या परफॉर्म करके रखा है। अगर मैं ये देखूं दोनों मूविंग एवरेज जो जहाँ पे मिल रहे हैं 45 एंड 21 जो मिल रहे हैं हमारे, वो इस पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, राइट। ये डाउन टू अप जा रहा है, अप टू डाउन आ रहा है, नियर बाय जो यहाँ से इसने ग्रोथ लेना शुरू किया, हाइयर हाई स्टार्टिंग पॉइंट इज, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द हाइयर हाई, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हाइयर हाई एक बनाया, उसके बाद हाई लोअर लो बना रहा है जो यहाँ तक आता है, अगेन ये हाइयर हाई बना रहा है, फिर अगेन हाइयर लोअर लो बना रहा है, एक छोटा सा हाइयर हाई बना के अगेन लोअर लो बनाता है, फिर एक बहुत ही बड़ा हाइयर हाई बनाता है, अगेन लोअर लो बनाता है। नाउ अगर आप इस 21 मूविंग एवरेज को देखोगे तो एक बड़ा सा अप बनाता है, अगेन डाउन जाता है, फिर अप बनाता है, फिर डाउन जाता है, फिर एक अप बन जाता है, फिर डाउन जाता है। अब थर्ड इसका देखोगे ये सिग्नल दे रहा है कि ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुका है और ये जा भी रहा है। चलो मैं अगर ये देखूं तो मेरा जो आप इसका इसमें जो हाइयर हाई बनाया वो कितना परसेंटेज, कितने रुपये हाइयर हाई बना है, अगर यहाँ से देखोगे पिक 0 पॉइंट से ये 3 का हाइयर हाई बनाया, करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड जो हाइयर हाई इसने बनाया यहाँ से लेके अगेन 2.8 का बनाया है यह, इसका थर्ड जो हाइयर हाई वो बन होता हुआ दिख रहा है वो नियर अबाउट 410 रुपीज़ का
20 रुपीज़ का बनता है, 4 रुपीज़ 20 पैसा का यह हायर हाई बनाता है। अगर मैं लास्ट 3 कंसेक्यूटिव हायर हाई की बात करूं, तो यहाँ पे जो हायर हाई मुझे दिखा वो दिख रहा है, यहाँ पे हायर हाई जो हमें दिख रहा है वो 3 रुपीज़ के नियर अबाउट दिख रहा है, यहाँ पे अगेन हायर हाई जो दिख रहा है हमें वो भी 2 रुपीज़ 75 पैसा के दिख रहा है, यहाँ पे 4 रुपया 20 पैसा का दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रुपया 20 पैसा के दिख रहा है, अगर मैं इसी को 4 रुपया 20 पैसे के हिसाब से ही देखूँ, मैं इससे ज़्यादा का नहीं बात करूँ, यहाँ से 4 रुपया 20 पैसे की बात करूँ, तो हमने 360 का लिया है, 4 रुपया 20 पैसा जो बनता है इसका वो कहाँ जाके बनता है, मैं वो भी देखने की कोशिश करता हूँ। 4 रुपया 20 पैसा आपका इस पॉइंट पे आके बनता है, मतलब 13 रुपया 10 पैसे की बात करो तो 13 रुपीज़। तो मैं आपको 13 का मैं दे ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 12 रुपीज़ 50 पैसा का बोल रहा हूँ, मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा नहीं, 12 सिफर साइड को हम लेके चलें, 12 रुपीज़ से लेके आपको 12 रुपीज़ से 12.50 के बीच में जहाँ भी कहीं आपको मिलता है आप प्रॉफिट बना के निकल जाओ। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट में मेरा जो ऑन एन एवरेज है 13 पैसा का है नियर अबाउट, और 9.30 पैसा का है हमारा ऑन एन एवरेज। अगर मैं ये देखूँ, आप अगर 500 भी शेयर इसको खरीद के रखते हो तो आपके 343 रुपीज़ 40 पैसा का अगर आप उसमें बना के निकलते हो तो आपका नेट प्रॉफिट आपके नियर अबाउट 2000 के नियर अबाउट बनता है। तो 5000 में अगर 2000 आ रहा है, इट्स नॉट बैड। तो आप देख लो आपको क्या करना है, दरअसल बहुत अच्छा है, बस 10 डेज ही इसमें आपको पैसे लगाने, इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकालना है, क्योंकि ये इसमें जिस तरह का हायर आए एंड लोअर लो बनाते हैं, ये हायर बनाने के बाद अगेन लोअर में जाएगा, तो आप फिर वेट करोगे लोअर लो के कंप्लीट होने के बाद, एक कंप्लीट साइकिल बनाएगा, फिर अगेन आप इसमें पैसा लगाओ तो इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। दैट मीन्स आपको लगाना है, राइट, अप डाउन में आपको चेक करके बाहर निकलना है, फिर अप डाउन करके चेक करके बाहर निकल जाना है, बस जस्ट 10 डेज। अगर मैं 10 डेज क्यों बोल रहा हूँ, दैट्स अ पॉइंट इज, आप इसमें देखोगे, गिनती करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज यहाँ बनता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा टाइम्स लिया है। दूसरा को देखोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्रॉस कर रहा है। थर्ड को आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अब 11 है, बट यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, ये 5 तो बन चुका है, और 6 की बात कर लो, 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से बन के कंप्लीट होता है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस 10 डेज में रखना है, 6 डेज में रखना है, आपको जैसे ही 12.50 पैसा का ये टारगेट कवर करता है आपको बाहर निकल जाना है, इससे ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। बस इतना ही, अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से